राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे श्री प्रेमानंद जी महाराज का जीवन परिचय। सो आपका समय बर्बाद करने से पहले तो चलते हैं वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। महाराज जी का जन्म एक साध्वी एवं विवेक परिवार में हुआ। उनकी पैदाइशी एक गरीब मार परिवार में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया। उनकी माता का नाम श्रीमती रामा देवी और पिता का नाम श्री शंभू पांडे था। महाराज जी का पीले वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उनके दादा सन्यासी थे और बुजुर्गों का आशीर्वाद होने की वजह से उनके घर का वातावरण अत्यंत शुद्ध निर्मल और भक्तिपूर्ण रहा करता था। उनका पूरा परिवार शांत होने की वजह से उसके घर पर संतों और महात्माओं का आना जाना लगा रहता था। हमेशा उनकी बातें और सत्संग सुनकर उनके मन में हृदय में आध्यात्म की बातें बैठ गईं। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन भक्ति भावना से भरा है और कुछ समय पहले उनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही थी, क्योंकि उनके यहाँ विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली, उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा और उनकी बेटी भामिका आई थी। वहाँ उन्होंने महाराज के दर्शन कर सत्संग भी सुना। इसके बाद विराट कोहली ने 2 शतक मारे। जब वे 9वीं कक्षा में आए तब उन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय की कर लिया था। उनके लिए वे सब कुछ त्यागने को तैयार थे। उन्होंने अपनी माँ को अपने निर्णय के बारे में बताया। 13 वर्ष की उम्र में महाराज जी ने एक दिन मानव जीवन जीने के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अपना घर छोड़ दिया। आगे जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज का जन्म आखिरी गांव सरलोल ब्लॉक कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका परिवार बहुत साधारण पवित्र था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही साधारण रूप से बीता। बचपन से उनका बौद्धिक स्तर अन्य बच्चों से अलग था। उनके ज़्यादा ध्यान भक्ति भाव पर ही बचपन में मंदिर जाना, कीर्तन करना और 40 का पाठ पढ़ना शुरू किया गया। महाराज जी पिता श्री शंभू पांडे एक भक्त ये व्यक्ति थे। उनकी माता रमा देवी जो कि बहुत पवित्र थी और उनके दादा जी भी सन्यासी, कुल और मिलाकर उनके घर का वातावरण शुद्ध और निर्मल था। उसके माता पिता हमेशा साधु संतों की सेवा में लगे रहते थे। उनके बड़े भाई श्रीमद भागवत का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उसके पूरे परिवार एक साथ बैठकर सुनते थे। महाराज जी की उम्र अभी लगभग 7 साल है और वह अभी वृंदावन में रह रहे हैं और अपना पूरा ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों, भगवान कृष्ण का ध्यान और निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रेमानंद जी का महाराज वृद्धावस्था में होने के बावजूद भी उनका स्वास्थ्य अच्छे है। इतना ही नहीं, उनके ज्ञान और दर्शन के लिए करने के लिए भारत देश के नहीं बल्कि विदेशों से लोग उनके पास आते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। वे अपने ज्ञान और दर्शन के लिए पूरी दुनिया में सम्मानित हैं। कहा जाता है कि कई सालों से उनके दोनों गुर्दे खराब हैं, इसके बावजूद भी वे अभी तक स्वस्थ हैं। उनका मानना कि उनका सारा जीवन राधा जी की सेवा और भक्ति के सब कुछ उन्होंने भगवान के हाथों में छोड़ दिया है। आज भी उनकी दिनचर्या भक्ति करना है और वहाँ जाने वाले भक्तों से मिलकर उनकी समस्याओं का सुनकर उनका हाल निकालते हैं।